हेलो दोस्तों, मैं पीके यादव। आज हम बताएंगे आपको UPSI के बारे में, जो वैकेंसी अभी आई है, जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो हम आज आपको बताएंगे यूपीएसआई के बारे में, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर। देखिए, इसमें जो पहले सबसे पहले बता दें मैं आपको वैकेंसी के बारे में, कितनी वैकेंसी है और क्या क्या कैसे क्या क्या चाहिए। इसमें जो वैकेंसी जो पहले थी 6130 वैकेंसी थी, कितनी 6130 वैकेंसी थी, अब जो बढ़ा के कर दिए हैं 9538 वैकेंसी कर दी है, कितनी 9538। इसमें सबसे पहले बात आती है पेपर कराने की, 9003 वैकेंसी तो है ही है, पेपर कराने की जो कौन कौन सी पेपर कराएगी कंपनी। एक तो है NSEIT, ये जो कंपनी कराएगी, और एक पेपर कराती है कंपनी, दूसरी कंपनी है TCS। ये दोनों कंपनी टेंडर मिला है दोनों कंपनी को, और इन्होंने साफ साफ लिखित में भी मांगा है जो पेपर होंगे अब इन कंपनियों के द्वारा बहुत ही सतर्क तरीके से होंगे। इसमें कोई भी चूक पहले की तरह नहीं है कि पेपर आउट हो गया कि ये हो गया वो हो गया। इसमें जो कंपनी है ये बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहेंगी अब। और देखिए, इसमें आती है फॉर्म अप्लाई शुरू करने की, फॉर्म अप्लाई शुरू करने की, यहाँ तक है कि ये 24/8/2020 से पेपर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और इसमें हम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको बताएंगे, वैकेंसी तो आ ही रही है, कन्फर्म ही है ये, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो जाति और मूल निवास अवश्य बनवाएं, इसमें बहुत ही जल्दी, बाद में फिर रहती है दिक्कत। तो इसके बारे में हम अब इस बात रहे इसकी सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं, तो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में सिलेबस क्या क्या होगा, कितने परसेंट होगा, कितने परसेंट मार्क्स आपको लाने होंगे पेपर पास करने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।